अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। 20 मई को बैंक की गाड़ी से कुचलकर हुई सनी की मौत के आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी से गुस्साई कई विद्यालयों के छात्रों ने आज मेरठ कलेक्ट्रेट का घेराव किया, साथ ही परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए डीएम से मुलाकात की। दरअसल 24 मई शाम के समय खेड़ा निवासी सनी व उसका साथी लवित दोनों बाइक पर सवार होकर अपने एक बीमार दोस्त को देखने मेडिकल जा रहे थे। जैसे ही वह CCSU पहुंचे तभी पीछे से बैंक की कैश वाली गाड़ी ने आकर बाइक में टक्कर मार दी। इसमें बाइक चालक लवित दूर जाकर गिरा जबकि सनी एक्सीडेंट करने वाली उस गाड़ी के एकदम सामने पड़ा हुआ था, लेकिन वह खड़ा नहीं हो पाया। टक्कर लगने के बाद भी गाड़ी चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, वह सामने पड़े सनी को अपने साथ घसीटते हुए ले गई, जिसके चलते सनी की मौके पर ही मौत हो गई। वह गाड़ी चालक घटनास्थल पर ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मामले में गाड़ी चालक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके विरोध में कई विद्यालयों के छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वहीं परिवार को 50 लाख मुआवजे की मांग की, साथ ही भाई को सरकारी नौकरी, बहन की शादी में आर्थिक मदद, छोटे भाई बहन की पढ़ाई में मदद व आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ अपने इस चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें।